कभी कभी जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, ताकि हम खुद को और बेहतर बना सकें, ताकि हम तराशे जा सकें। दोस्तों, इस ट्रिप में आपको मेरे चेहरे पे बहुत सारी चीज़ें महसूस करने मिलेगी। डर, सुकून, इबादत, ये सब कुछ आप मेरे चेहरे पे देख पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, इस ट्रिप में मैंने कुछ ऐसा किया है ऑनेस्टली जो मैं दोबारा कभी नहीं करना चाहूँगा। सो दोस्तों, हमारी नई सीरीज शुरू करते हैं, हाजी मलंग सीरीज, लेट्स गो फॉर इट। ये ट्रैक दोस्तों फिजिकली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, रास्ते बिल्कुल भी बने हुए नहीं हैं, व्यू बहुत अच्छा है लेकिन फिजिकली डिमांडिंग है। ये देखिए व्यू, वो देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये हाजी मलंग बाबा की मेन दरगाह है और ये पूरा शहर यहाँ से आपको दिखेगा। 550 स्टेप्स हो गया है, इतने ऊपर ऑलरेडी हम आ चुके हैं, लेकिन रास्ता देख रहे हो ना, रास्ता बहुत ज़्यादा गंदा है, धूप बहुत है और ये देखिए, मतलब कोई प्रॉपर रास्ता ही नहीं है। ये देखिए, ऐसे रास्ते से होते हुए आपको ऊपर की तरफ जाना है। एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ, बैठे बैठे सोचता हूँ ज़रा। दोस्तों, अभी मैं आपको उनका घर दिखाऊंगा जो यहाँ पे रहते और इस दरगाह की देखभाल करते हैं। वो जो दरगाह है वो उधर है, पठान शाह बाबा की दरगाह, और यहाँ से इस तरफ इतनी तन्हाई में वो अकेले रहते हैं। देखिए, मेरे जूते भी यहाँ पे हैं और आप उनका घर देखिए। ये देखिए क्या व्यू है दोस्तों। अब सीधा सामने नज़र आ रही है वो पैसे वाली गुफा, जाते एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद जाएंगे पंचपीर। अगले वीडियो में जाएंगे पंचपीर, लेकिन फ़िलहाल ये पैसे वाली गुफा को देखते हैं। एक्साइटेड हूँ इसके लिए भी, देखते मेरे साथ क्या होता है। इतना करने के बाद भी अभी मेरा दिन ख़त्म नहीं हुआ, पता नहीं दिन कभी ख़त्म होगा और कितने स्टेप्स पर मैं रुकूँगा। मज़ा बहुत आ रहा है, थकान का एहसास अभी इतना ज़्यादा नहीं है जितना रात में होने वाला है। देखते हैं, जैसा भी है जो भी है, अब जो करना है वो तो करना ही है। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है हाजी मलंग बाबा दरगाह। वैसे जो मेन दरगाह है उसकी एंट्री 9 बजे बंद हो जाती है, लेकिन आप बाहर बैठ सकते हो। जैसे आप देख सकते हो ये फुटेज में कुछ औरतें बैठी हैं। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम चाहिए ना, तो वहाँ पे घड़ी में है 12:45 AM हो रहा है।